हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसका शीर्षक है राइटफुल चैलेंज। राइटफुल चैलेंज से मतलब है जो सही चुनौतियां हैं वो क्या है, क्यों ये सही चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे आने वाले इस एडिटोरियल में आप हर एक चीज़ समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ जाकर भी आप इस एडिटोरियल को खुद ब खुद रीड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ट्विटर केस शुड लीड टू चेंज इन IT रोल दैट विल प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। तो यहाँ पर ट्विटर का जो केस है उसको क्या करना चाहिए, जो चेंज है उसको क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, और उससे क्या होगा, IT रूल में चेंज हो, और IT रूल में चेंज होने से जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो राइटर का ये कहना इसलिए है क्योंकि जो IT रूल बने थे वो 2000 में बने थे, और 2000 में हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, और अब इंटरनेट का दायरा बहुत बढ़ चुका है। तो अब ये चीज़ बहुत कंसर्निंग हो जाती है, बहुत पते वाली हो जाती है कि अब IT रूल को चेंज होना चाहिए समय के साथ। बाय बूमिंग कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंज सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट ऑन कंटेंट पोस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट। बाय मूविंग द कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंजिंग सेवरल ब्लॉकिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ट्विटर कहाँ गई है, कर्नाटका के हाई कोर्ट में गई, और क्या किया, कई ऐसे ऑर्डर जो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इन अकाउंट को बंद कर दो, उस अकाउंट को बंद करने के लिए करने के विरोध में ट्विटर कहाँ पहुँच गई है, कर्नाटका हाई कोर्ट पहुँच गई, और इससे सीधा सा ये है कि वो नेक टू नेक लड़ाई के लिए तैयार हो गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ट्विटर का तर्क है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जगह है, यहाँ आप ऐसा क्यों हमें आदेश दे रहे हो। सिनिकल व्यू विथ रिगार्ड दिस एज ए एक्शन डन अंडर ड्यूरेस बिटवीन द February 2, 2021 and February 28, 2020 ट्विटर वाज इशू डायरेक्शन टू ब्लॉक 1474 अकाउंट एंड 175 ट्वीट इन इंडिया विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सजेस्टिंग इन जून दैट वाज गिविंग द कंपनी अ फाइनल अपॉर्चुनिटी टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने कहा कि भैया फरवरी 2 से 2021 के बीच में कई ऐसे ऑर्डर कहा, और कहा कि लगभग 1400 अकाउंट आप या तो ब्लॉक करो, और 175 ट्वीट्स को क्या करो, डिलीट करो, ब्लॉक करो। क्यों ब्लॉक करो, क्योंकि मिनिस्ट्री का कहना था कि ये कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, और अब जून में क्या किया गवर्नमेंट ने, जून में फाइनल डेडलाइन दे दी कि इस तक तो आपको बंद करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो ट्विटर थी तो वो पहुँच गई कर्नाटका कोर्ट। But a substantive look at the challenge in the court by the company 39 URL in a specific in petition suggests that Twitter is right to take up the gauntlet. तो यहाँ पर 39 URL ऐसे थे वो suggest करते हैं कि Twitter right थी, मतलब उस चीज़ को लेकर, मतलब government ने उनके लिए गलत कहा। Much of the content in this URL deemed to be a fit for takedown in either journalist or a political nature or even distance. तो यहाँ पर इनने ठीक है 39 URL की बात तो पहले कर दी कि भैया ये योग्य नहीं थे, लेकिन बहुत से URL, मतलब आप सोचो 175 की बात हुई थी तो उसमें से आप घटा लो 39, तो मतलब मोस्टली जो URL थे वो कहीं ना कहीं सही थे, गवर्नमेंट ने सही कहा था कि वो उनको ब्लॉक करने की आवश्यकता थी। ईदन जर्नलिस्ट, वो हो सकता है जर्नलिस्ट थे, जो ऐसे जर्नलिस्ट जो राजनीतिक रूप से पक्ष विपक्ष करते हैं, और हो सकता है कुछ जो डिस्टेंट, मतलब जो सरकार से सहमत ना हो। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ट्वीट वर बाय द फार्मर एंड अदर ड्यूरिंग द एजिटेशन अगेंस्ट द फार्म लॉ। कुछ ऐसे ट्वीट थे जो फार्मर लॉ के अगेंस्ट किए गए थे, जो किसान आंदोलन चल रहा था उसी दरमियान कुछ ट्वीट किए गए थे। ट्विटर इज ऑल्सो एक्यूरेट इन सजेस्टिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट
कंप्लाई विथ रूल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच कॉल फॉर हियरिंग ऑफ द ऑथर ऑफ द कंटेंट बिसाइड द इंटरमीडिएटरी बिफोर एनी टेक डाउन एक्शन। तो यहाँ पर ट्विटर ने एक दलील दी, उसमें ये कहा कि भैया गवर्नमेंट को ठीक है ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन कम से कम जो लिखने वाला है या जो ऑथर है उसकी सहमति भी तो ले लीजिए। और ये आईटी रूल के तहत ये कहा गया है कि आप किसी के कंटेंट को अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो आप उससे सहमति लो, लेकिन आपने तो किसी भी प्रकार की सहमति नहीं ली। तो ये ट्विटर का कहना था। तो कुछ मायनों में ये ट्विटर जो है संवैधानिक रूप से बात सही कर रहा है। टेक डाउन प्रोविजन ऑफ दिस रूल वाज वन ऑफ द की रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 69A। ऑफ द आई टी एक्ट श्रेया सिंघई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। और यहाँ पर इन सभी प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, कब, 2015 में ही, जिसमें एक केस था श्रेया सिंघई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, विच एम्पावर द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट एसेस टू ऑनलाइन कंटेंट इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और फॉर पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, गवर्नमेंट कुछ ऐसे अकाउंट को बंद कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये देश की संप्रभुता को खतरा है और किसी ऐसे मित्र राष्ट्र के अगेंस्ट ये चीज़ें जा रही हैं जो उनके संबंधों पर, भारत के और उस मित्र राष्ट्र के संबंधों पर प्रभाव डालेगा, तो ज़रूर ऐसे अकाउंट को बंद करना चाहिए। तो ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ यूज द पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट इन अ ब्लैंकेट मैनर टू गेट इंटरनेट प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर टू टेक डाउन कंटेंट और सीक रिमूवल ऑफ प्रोफाइल इवन इफ दे मेयरली कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल डिस्टेंस और वर नॉट रिमोटली कनेक्टेड टू द रीजन प्रोफर्ड बाई इट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये राइटर ये कहते हैं, गवर्नमेंट राइटर का कहना ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, संप्रभुता वाला और जो नेशनल सिक्योरिटी वाला जो यूज़ है, यूज़ करके गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से ऐसे ट्विटर अकाउंट को या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या करवा देती है, बंद करवा देती है देश की संप्रभुता और उसके नाम पर। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो पहले जांच होगी तभी डिसाइड हो पाएगा, लेकिन राइटर का अभी फिलहाल में यही कहना है। द इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बीन बिकम इवन ग्रेटर बेहमोथ देन इट वाज व्हेन आईटी एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 2000। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि अब जो इंटरनेट है या जो टेलीकम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा बन चुका है। अगर हम कंपैरिजन करें 2000 से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आईटी रूल है वो 2000 में ही बनाए गए थे, तो अब नए सिरे से आईटी रूलों को बनना चाहिए। टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ रेगुलेशंस टू द न्यू फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएटरी हैव क्रॉप्ड अप सिंस देन द गवर्नमेंट मस्ट रिसेंटली केम अप विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रूल 2021 विच बिसाइड ब्रिंगिंग अबाउट ऑब्लिगेशन फॉर bringing about accountability from social media companies and platform went on to add onerous requirements such as the traceability of online conversation and new oversight functions that are weighted in the government's favor। तो यहाँ पर अब 2021 में उन रूल्स को क्या किया गया, चेंज किया गया, और चेंज करने के दरमियान क्या कहा गया कि भैया मान लो कोई मैसेज, किसी ने आपत्तिजनक मैसेज किया, फिर क्या होता है, वो शेयर होते 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 बहुत लंबा पहुंच जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा जितनी भी कंपनियां सर्विस दे रही हैं उनसे, ऑनलाइन सर्विस दे रही हैं उनसे, कि भैया आपको फर्स्ट मैसेज किसने लिखा उसकी हमें जानकारी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, या सोर्स ऑफ मैसेज, मैसेज का सोर्स है वो कौन है, किसने इसे पहले टाइप किया। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने कंपनियों से कही, और ये कहीं ना कहीं कहना ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो पूरी तरह से अपनी तरीके से फंक्शन करवाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। ट्विटर्स केस इन द कर्नाटका हाई कोर्ट शुड लीड अ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ द रूल्स टू अ क्लियर लेजिस्लेटिव डिबेट ऑन हाउ रीमेक देम इन अ वे दैट दे डू नॉट इम्पिंज ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी इन द ऑनलाइन स्पेस। तो यहाँ पर जो कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो अभी याचिका डाली गई है ट्विटर के द्वारा, उस याचिका को
का गहन अध्ययन करना चाहिए और उस याचिका से कहीं ना कहीं इस तरह का पथ प्रदर्शन भी करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ ऑनलाइन अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भी सजा हो। ये इस प्रकार का राइटर का कहना है इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को। तो आई होप आपको इस एडिटोरियल में समझ में आया होगा कि आखिरकार क्या आईटी रूल है और ये आईटी रूल अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।